रुक करेंगे अगली खबर का। पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पार करते हुए एक छात्र साउथ बिहार ट्रेन की चपेट में आ गया। नवनीत नाम के छात्र की मौत के बाद दूसरे छात्र आक्रोशित हो गए। उन्होंने रेल ट्रैक जाम कर दो एसी बोगियों में आग लगा दी। इस दौरान यात्रियों पर पत्थर फेंके गए और उन्हें ट्रेन खाली करने के लिए कहा गया। मौके पर पहुंची पुलिस को भी प्रदर्शनकारी छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ा। कई घंटों बाद पुलिस ने किसी तरह हंगामे पर काबू किया। हम लोग तो सब लड़का लगा रहा उधर से दौड़ दौड़ के बोलता है कि एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग बोगी खाली कीजिए नहीं तो हम लोग इंजन में आग लगा देंगे। जल्दी सामान खाली कीजिए आप लोग जल्दी। हाँ मार पता था बाथरूम का कांच तोड़ दिया है। मामला अभी तक जो जानकारी है इसको करके कुछ लोग जा रहे थे, इसमें एक लड़के किसी ट्रेन के चपेट में आ गए। किस ट्रेन के चपेट में आ गए वो अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन 6:55 और 7 बजे के आसपास की घटना है और उसमें वो काफ़ी जख्मी हो गए, जख्मी के कारण की मृत्यु हो गई। और जब जीआरपी को मैसेज दिया गया, जीआरपी आई उसको ले जा रही थी, लेकिन जब आई थी जीआरपी उस समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी लोग कह रहे थे नहीं अभी जिंदा है, ले चलिए, तो ले जाकर किसी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, लेकिन वहाँ डिक्लेयर कर दिया गया इनकी मृत्यु हो गई। उसी रिएक्शन में आकर के जो लड़के लोग हैं वो अब यहाँ पर ट्रैक को जाम कर दिए, इसको लेकर के अभी गाड़ी रुकी हुई है।